नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ई रिक्शा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखिए पूरा ग्राउंड या रिक्शे का खुला हुआ है, ठीक है। ये आज हमने जो इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था जो मंदिर के बैरिंग कैसे फिट करें, ये वाला देखिए, इसमें भी तीनों बैरिंग नए डले हैं अभी। इसका तीनों बैरिंग खराब थे इसके भी, ठीक है। तो हमने इसमें तीनों बैरिंग इसमें नया डले हैं। अब इसकी आगे बता रहे हैं दोस्तों कि इसकी क्राउन गेयर जो गुच्छा होता है, गुच्छा की आज फिटिंग बताएंगे। जो गुच्छा अंदर से क्या क्या कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स चेक करने होते हैं, तो मैं आज ये बताऊंगा आपको क्लियर ही, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए ये इसका गुच्छा है, ठीक है। अब इसका असेंबलिंग बता रहे हैं। देखिए इसमें गुच्छे में क्या प्रॉब्लम थी, जो ये स्पिंडल पिन है, ये देखिए जो ये स्पिंडल पिन है, देखिए कितने बुरी तरीके से कट गई है इसकी, बहुत ही बुरी तरीके से कटी हुई है। देखिए अब इस पे हम स्पिंडल पिन दूसरी डाल रहे हैं, देखिए बराबर है, इसकी लंबाई नाप लें, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और इसका देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता कुछ नहीं, पेट्रोल से वॉश कर लिया है ये सारा सामान, दिखाओ सर। ये देखिए हमने टोटली सामान वॉश कर लिया है, पेट्रोल वगैरह मोटर वगैरह सब पेट्रोल से वॉश कर लिया है। इसमें काफी चीजें खराब है, लेकिन आज सिर्फ हम आपको गुच्छे के बारे में बताएंगे। देखिए गुच्छे की फिटिंग में कुछ नहीं है, ये वासल होता है, पहले सिम वासल इसमें ऐसे डाल लेंगे। देखिए इसमें लगा हुआ है, सिंगल सिम वासल डलेगा, ठीक है। हल्का सा फिट करने से पहले इसमें ग्रीस लगा लेंगे, ठीक है। इसमें ग्रीस लगा लेंगे और ग्रीस लगाने के बाद इसको हल्का सा डाल के घुमा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए स्पिंडल पिन है, ये छोटी वाली गरारी दोनों डाल देंगे इसमें। इसमें एक एक सिम वासल होता है, ये सिम वासल हम डाल देंगे, क्लियर ही देखिए। और इसको क्या करेंगे, इजीली तरीके से इसमें बैठा देंगे। सिम वासल जरूर लगाएं दोस्तों, बिना सिम वासल के ये क्राउन गियर सही चलेगा नहीं। सिम वासल ये मतलब क्राउन गियर बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्ले हल्का सा होना चाहिए दोस्तों, इसमें प्ले हल्का सा होना चाहिए, प्ले नहीं रहेगा तो ये गाड़ी जाम चलेगी, माइलेज नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इसमें ग्रीस भर लेंगे, इजीली तरीके से ग्रीस भर लेंगे। ग्रीस इसमें थोड़ा ज्यादा भर देंगे दोस्तों ग्रीस, क्योंकि इसमें मोबिल वगैरह सही से जल्दी पहुंच नहीं पाता, इसमें ग्रीस भर देंगे, ठीक है। ग्रीस भरने के बाद देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप भी वही है, ये वाली दूसरी वाली इसकी कटोरी है, इसमें सिम वासल डाल देंगे और दूसरी वाली करारी में थोड़ी सी ग्रीस लगा लेंगे हल्का सा, इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद देखिए हम इजली तरीके से इसको यहाँ पे हाथ रख लेंगे ताकि गरारी ना गिले, और इजली तरीके से इसको इसमें फिट कर लेंगे, देखिए ठीक है। इसको फिट करने के बाद इसके बोल्ट लगाएंगे, आमने सामने के दोनों बोल्ट टाइट करेंगे 5 नंबर की एलंकी से, ये देखिए। आमने सामने के हमने इसके बोल्ट टाइट करके उसमें क्या चेक करना है ये भी अभी बताऊंगा मैं आपको। आमने सामने टाइट करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमा के देखेंगे, ये फ्री चलना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। देखिए इस टाइम ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, ये फ्री चलना चाहिए। देखिए हम अभी दिखा रहे हैं, एक्सल में लगा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक्सल है, इसके अंदर लगा के देखिए, ये दूसरा वाला हिस्सा घुमाएंगे, देखिए ये देखिए इसको घुमाएंगे तो ये दूसरा वाला हिस्सा घुमाएगा, बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। देखिए फ्री चल रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें आगे पीछे की थोड़ी प्ले होनी चाहिए इसमें, ये देखिए इसमें आगे पीछे की इसमें प्ले होनी चाहिए दोनों साइड से, ये देखिए बिल्कुल ओके है। अब इसमें क्या करेंगे, हम चारों बोल्ट को टाइट कर लेंगे, फिर आगे का स्टेप देखिए, हम चारों बोल्ट लाइव टाइट करते हैं। वासल इसमें जरूर लगाए दोस्तों, बिना वासल का ये टाइट ना करें, क्योंकि ये चार ही बोल्ट लगे होते हैं सिर्फ इसमें। चलिए अभी हम 3 टाइट कर लेते हैं, एक और शायद वासल होने में जल्द हो गया होगा, फिलहाल 3 टाइट करते हैं, अभी वासल मिल जाएगा। वो भी 10 नंबर का, अगर ये वासल गुम हो जाता तो 10 नंबर नट का वासल आप लगा सकते हैं, 10 नंबर नट बोल्ट जो होता है उसका वासल आप लगा सकते हैं, इजीली तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगा।
वाला वासल मिला नहीं, देखिए हम दूसरा वासल लगा रहे हैं इसमें, 10 नंबर का जो अपना नट बोल्ट होता है उसका वासल लगा रहे हैं। वासल हो शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साइज वही है, इसको भी लगा के अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे, इसको भी हम इजीली तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतनी होती है दिक्कत होती है चेक करने के लिए, बस इजीली तरीके से इसको लगा के टाइट कर लेंगे। तो वासल बड़ा पड़ रहा है लेकिन फिलहाल ये टाइट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे पहले कई बार टाइट किया हुआ है, थोड़ा टाइट चलता है बोल्ट लेकिन टाइट हो जाता है। ये देखिए हमने इसको टाइट कर लिया, हम इसको पूरा फुल टाइट करके फिर आगे के स्टेप बताते हैं जो क्या देखना है इसमें आगे से। ये देखिए हमने इजीली तरीके से इसको टाइट कर लिया, नेट फोर्सेस आपको हमने कल बताया ही था जो इससे पहले वाला, बस एक बैरिंग लगा के इसके अंदर ऐसे इंस्टॉल कर लेना है, बस इतना ही काम होता है दोस्तों। ये आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।